समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मेरा प्रश्न एक चीज से है कि अगर आपने सच में इतना काम किया तो जनता ने आपको नकारा क्यों? अगर कुत्ते को भी खड़ा करेगा मैं उसको भी वोट डाल दूंगा। ये जो कॉलोनी बसी है इंदिरा गांधी की देन है। ये जो इधर मेन रोड पे राजू गांधी कॉलोनी बसी है इंदिरा गांधी की देन है। करेड़ा राजू कॉलोनी इंदिरा गांधी की देन है। ये कहते कुछ करा नहीं। पप्पू है वो राहुल पप्पू, वो पप्पू का कौन पूछ रहा? हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हमारा खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी में आज हम मौजूद हैं साहिबाबाद, और यहां पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ आम जनता भी है, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ कांग्रेस के समर्थक है। तो आइए जानते हैं कि लोगों में किस तरह का उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। फिलहाल इस माहौल को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां ये है कि बीजेपी 400 पार होने वाली है, क्योंकि यहां पर भी जितनी मैंने बात की है लोगों का कहना है कि बीजेपी ने इतना काम किया है 10 सालों में कि 400 पार से ज्यादा सीटें बीजेपी की आने वाली है। चलिए यहां से शुरू करते हैं, आपका नाम बताइए पहले। निजामुद्दीन शाह, समाजवादी पार्टी, पूर्व विधानसभा सचिव। अभी आप किसके साथ है, किसको पसंद करते हैं? गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ है डोली शर्मा, जिंदाबाद। डॉली शर्मा को हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है और बहुत सारे उनके पीछे समर्थक भी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता तो बीजेपी को पसंद करती है। जनता तो सबको पसंद कर रही है, कोई खुल के बोलता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। पर इंडिया गठबंधन तो साथ किस लिए आया है? आके बैठे हुए लोग भी डॉली शर्मा को वोट करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप तो भविष्यवाणी भी करते हैं। बता दिया हमने कैसे, हमारे लोग जितने भी यहाँ सब हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं। अरे सर, यहाँ पर जितने लोग हैं आप कह रहे हैं कि आप सुनिए आप कह रहे हैं कि यहाँ जो जितने लोग हैं आपके अपने परिवार में वोट बढ़ जाती है जब आप वोट बटने करने जाते हैं। मारने से काई नहीं फटती, हम सुबह शाम 24 घंटा रातों दिन एक साथ रहते हैं। तो यहाँ से डॉली शर्मा को जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों, क्या डॉली शर्मा ने क्या ऐसे वादे किए? उनका प्यार है, ये उनका प्यार है। अतुल गर्ग से कम है? भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग डर रहे हैं, अगर मीडिया के सामने आ गया हमने उनकी बुराई कर दी तो घर मकान टूट जाएंगे, जेल चले जाएंगे, इस दहशत से वो साइलेंट रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। वोट हमारी डॉली शर्मा को पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए इनका वोट तो डॉली शर्मा को पड़ने वाला है और ये भविष्यवाणी भी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ से सारा वोट जो है वो डॉली शर्मा को ही जाएगा। लेकिन और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनका क्या पक्ष है, आप बताइए। हम लोगों की इच्छा है जहाँ हम वोट दे, बीजेपी ने हमारे लिए क्या क्या है? तो अगर बीजेपी के पास नहीं जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस ऑप्शन है ना, या फिर बसपा ऑप्शन है? हम तो सोचेंगे उसके विषय में, हमें क्या करना है सोचेंगे। जी, हम अभी भी सोचेंगे किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, वो हमारे दिल दिमाग में चल रहा है ना। तो घोषणा पत्र भी आ गए, अब तो सोच विचार का कोई समय नहीं है। आएगा तो हम अपना उस पर विचार रखेंगे ना, जब हमारे पास कैंडिडेट आएगा। बीके सिंह जीत के यहाँ गए तो क्या कर लिए 10 साल में, आप बताओ? कोई कार्य करके चले गए, किसी से मिलने आए, हरी बीमारी में आए। सुनील शर्मा ऐसे विधायक बन के गए तो क्या करके चले गए, आज कैबिनेट में पहुंच गए। ठीक है, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ? क्या हुआ विकास है, कहीं देख लो, कहीं विकास हो, कहीं सड़क टूटी है तो कहीं पानी नहीं है तो लोग पानी की तरसते हैं। तो प्रधानमंत्री तो 21 बार राम नाम का नाम लेते हैं, जय घोष करते हैं और कहते हैं कि हमने तो इतना विकास किया, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मोदी ने बनाए, मोदी ने राम नाम को बनाया, बीजेपी तो यही कहती है मोदी को बनाया। बीजेपी कहती है हम राम को लेकर कहां लेके आए हैं, जबरदस्ती लेके आए, उनके पिताजी है क्या दशरथ? हो मोदी दशरथ के पिता हैं? नहीं है, राम सबके हैं, जिसकी सामर्थ्य हमारे भी है सबके। कांग्रेस के समर्थक? हम कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों, हमारा अभी आप ही ने डिसाइड नहीं किया। हमारा इतिहास आप मत लो, जनता का इतिहास लेना ही तो जरूरी है। इतिहास लो और हमारी इतिहास में जनता क्या चाहती है ये जानना ही तो जरूरी है। छोटे लोहिया का नाम आपने कभी सुना है? क्या नाम है छोटे लोहिया का? आपको क्या कर रहा है उससे? उसे करना कि मैं उनका अवलाद हूँ, हमारे खून में राजनीति है, हम गए नहीं उसमें। तो आपको किसका काम पसंद आया? हमें कांग्रेस की पसंद आया काम, समाजवादी के पसंद आया, समाजवादी का भी पसंद आया। उनको तुरंत उठाता है। तो अब तो साथ हैं दोनों? हाँ जी। तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आप गठबंधन के साथ हैं। हम गठबंधन के साथ हैं। बातें क्यों बना, बातें नहीं बना रही, जितने पूछ रहे उतर घुमा के हम उत्तर दे देंगे। घुमा क्यों रहे जी? नहीं नहीं, हम उसे समझा। बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, देखिए बीजेपी के प्रति कितनी नाराजगी है। सीधे से जवाब नहीं देंगे, गठबंधन के साथ है, खोल के नहीं बोलेंगे, दिल खोल के सीधे बोलेंगे कि नहीं आप क्या करेंगे जान का। लेकिन हम तो, हमारा तो काम है, हम तो जानेंगे कि आखिर कौन किसके साथ है, आप बताइए। डॉली शर्मा के साथ। डॉली शर्मा सीधे क्यों? क्योंकि उसके काम ही अच्छे हैं, उन्होंने पूरे 2 बार चुनाव लड़ चुकी है और जनता के बीच में रहती है,
कोरोना काल में बहुत मदद की है लोग। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत किया उसने, जो भी समस्याएं थी महिलाओं के लिए, जो प्रियंका गांधी ने चलाई थी उसके लिए भी काम किया बहुत कुछ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये साथ है आप? हाँ जी बिल्कुल। लग रहा है आपको कांग्रेस ऐसा करेगी महिलाओं के लिए? अभी घोषणा पत्र में ये है कि 1,00,000 रुपए जो है वो गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे जो बिल्कुल बीपीएल एकदम नीचे है। यही है उसने। कैसे पॉसिबल है ऐसे? तो वादे भाजपा ने भी किए थे 15,00,000 हर अकाउंट में आएंगे, कहाँ आए? नहीं वो तो आए ही नहीं, आज तक आए नहीं, कहाँ आए हैं वे 15। जुमला हो गया तो कांग्रेस का भी जुमला ही हो जाएगा? जुमला नहीं होगा। डोली शर्मा ने ये कहा अगर मैं जीतती हूँ तो, जैसे खोड़ा में पानी की समस्या है उसके लिए वो कहा मैं लेके आऊंगी, चाहे कहीं से भी अपनी उससे निधि से लाऊं या अपने घर से लाऊं, कैसे भी लाऊं, उसके वादे है। और रात को भी अगर आप कॉल करोगे तो आपके सामने अलेवल है और आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। अतुल गर्ग से हम कहाँ मिलेंगे? कोरोना काल में घंटी भी उतार के रख ली, बैल भी उतार रख ली, जो कोई कॉल करता था मैं अपने आप बचूँ या तुम्हें बचाऊँ, सीधा ये बोलते थे। इतनी नाराजगी अतुल गर्ग को? हाँ जी बिल्कुल है, लोगों में उसके लिए बहुत नाराज। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आया था कोरोना काल में आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए? या है उसने बराबर राशन बांटा है पब्लिक के बीच में रह गए। सही कह रही? सही कह रहे हैं जी, मदद करी है। हाँ जी तो बहुत अच्छी बात है एक महिला होने के नाते। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी भाई यहाँ समर्थक बैठे हुए हैं, वर्तमान में बीजेपी पार्टी का पार्षद है अभी मौजूदा हालात में, कितने लोग उसके साथ हैं बताइए, आप पूछिए। आप किसके साथ हैं? आप बताइए पहले, आप बताइए। गठबंधन के साथ? गठबंधन के साथ सीधे? चलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब ने बिल्कुल एकदम कह दिया मैं तो गठबंधन के साथ हूँ, बट नहीं, आप बताइए। मैं तो जी अतुल गर्ग को तो जानता नहीं, लेकिन मोदी अगर कुत्ते को भी खड़ा करेगा मैं उसको भी वोट डालूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आपने तो अपने ही प्रत्याशी को क्या बोल दिया? मैं सिर्फ मोदी भक्त हूँ। अरे मोदी ने अगर प्रत्याशी उतारा है तो आप कैसे? सिर्फ मैं मोदी को जानता हूँ, मोदी ने देश को आगे पहुँचाया। मोदी नहीं आएगा ना हर किसी से मिलने? ना है, लेकिन हम तो मोदी के हैं। मोदी के काम से खुश है? जी हाँ, मोदी से अलावा कुछ नहीं। मतलब कोई भी उठा दीजिए, हम तो मोदी को ही वोट देंगे, बीजेपी को? सिर्फ मोदी और योगी। मोदी और योगी? योगी ने, योगी का काम अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया नहीं, चोरों को अंदर कर दिया, बुलडोजर चला दिया गलत काम करने, महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी, बच्चों की सुरक्षा बहुत अच्छी, गड्ढा मुक्त सड़कें एकदम नंबर वन। अभी तो मुझे दिखाई दी थी इतने बड़े बड़े गड्ढे थे भी तो रास्ते में, तो पहले थे। अब ना है? बिल्कुल ना है, खत्म, लग तो नहीं रहा मुझे, एक नंबर। चलिए ठीक है, आप बताइए, बड़े शांत बैठे आप क्यों? देखिए एक तो स्वास्थ्य जो थोड़ा ढीला है, और बाकी मैं मोदी भक्त हूँ और भाजपा का समर्थक हूँ। मोदी भक्त है या काम के भक्त है? मैं काम का भी भक्त हूँ, मोदी भक्त हूँ और भाजपा समर्थक हूँ। लोग तो कह रहे मोदी लहर तो दिखाई नहीं दे रही, राहुल गांधी कहते हैं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। देखिए राहुल गांधी तो हमेशा, उनको यही पता नहीं होता कि भाई किससे क्या होता है, वो आलू से जो सोना बनाते हैं उनको चंग काट के दिखा दे तो मान लिया। बता रहा हूँ ना आपको, जो है भाई उनकी तो जो है वक्तव्य ऐसे है, एक जो है कोई भी बात बोलेंगे आप उनका मीनिंग जो निकाल के बता दीजिए मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई वो बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे आदमी को जो है प्रधानमंत्री के लिए लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि भाई दिन में जो है तारे देखने वाली बात हो रही है। आप बहुत वरिष्ठ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से राजनीति को जाना है और यहाँ के लोगों को भी जाना है जो प्रत्याशी रहे हैं जो अभी उठे हुए हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आस्था सर्वोपरि रहेगी वोट देने के लिए? आस्था तो रही रहेगी, साथ साथ जो है काम भी है। काम भी है, आस्था लेकिन सर्वोपरि? बिल्कुल आस्था तो रहेगी, क्योंकि देखिए जो 500 साल से जो मामला अटका पड़ा था, आपको जानकारी है इस बात की, जो है इसके लिए सभी लोग कहते थे कि राम भी जो है काल्पनिक है, तो अब आप बताइए वही लोग जो है अब तिलक लगा करके और जनेऊ पहन कर। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया ना? नहीं सुप्रीम, मोदी जी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया तो वो भी तो जो है पब्लिक के उस पर ही आया ना, पब्लिक चाहती थी ना तभी तो आया है, सुप्रीम कोर्ट भी जो देखता है ना किसी जो, वो भी तो इंसान ही बैठे हुए हैं वहाँ पर भी। तो मोदी जी कार सेवक थे? नहीं कार सेवक थे इसमें मोदी जी, कार लाल कृष्ण आडवाणी को तो साइड रख दिया नहीं, जो थे ऐसा कुछ नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो जिस जगह पर थे वो आज भी हैं, उनकी जो इज्जत जो जहाँ थी वहीं इज्जत आज भी जो करते हैं, और मोदी जी आज भी जो है उनकी जो रेस्पेक्ट पूरी पूरी करते हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 10 साल हो गए हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल? जी बिल्कुल हो रहा है जी, अभी जो है मैं बता रहा हूँ आपको, जो इन्वेस्टमेंट जो करने के लिए जो विदेश वाले जो है अभी हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ये 2 करोड़ की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोगों को जो है रोजगार इतना मिलेगा कि जो है लोग कर नहीं पाएंगे, अभी भी जो है रोजगार इतना है कि लोग जो है मतलब चक्कर क्या है, हर आदमी जो है वो जो है जो बसपा सपा जो कांग्रेस की जो नीति रही है कि 10 रुपये जो है मतलब कमाएंगे और चाहते हैं कि जो है मतलब पूरा जो है मेरी जेब में आ जाए, तो अगर कोई काम ही नहीं करना चाहता तो फिर उसके लिए कमाई कहाँ से होगी। अब आदमी काम करना चाहे अभी आप चौक पे चले जाइए। कौन ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता, कमाई सीधा जेब में आ जाए, कोई है बताने वाला? हम है जी, हम काम करना नहीं चाहते, सीधा कमाई जेब में आ जाए।
फिर 15 लाख कहाँ आया? उन्होंने, मैम एक मिनट सुनिए, उन्होंने कहा था ना किसानों को 2000 रुपया प्रति महीना जाएगा। हम अकाउंट चेक करा, कितना 1000 दिया उसने? 64 बीघा का कष्टकार हूँ मैं, कितना दिया? प्रधानमंत्री किसान निधि नहीं आती क्यों? हमारे पास आज तक नहीं आई। पक्का? अकाउंट ले आऊं उठा के? एंट्री कहाँ दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे भाई विनोद बालियान जी कह रहे थे कि चोरों को वोट नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, और ये करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। तो ये एक तरफा कार्रवाइयाँ क्यों होती हैं? कार्रवाइयाँ सब क्यों होती है? मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। अभी बताते हैं कि गोली मार दिया, जितने बदमाश थे उड़ा दिए, बंद कर दिए। आतिक अहमद के साथ हुआ, मुख्तारन साहब। मैं आंकड़े बताने चल रहा हूँ, सुनने की सुनिए आप। नंबर एक लगा लीजिए आप, बिरजे सिंह 106 मुकदमे हैं, सुन लेना कान खोल के, 106 मुकदमे हैं इन पे, ये साधु संत हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमे हैं, ये साधु संत हैं। राजा भैया 31 मुकदमे हैं, ये साधु संत हैं। उदय भान सिंह 83 मुकदमे हैं, ये साधु संत हैं। अशोक चंदेल 37 मुकदमे हैं, साधु संत हैं ये। विनीत सिंह 34 मुकदमे हैं, साधु संत हैं ये। बिरेश भोजन सिंह 84 मुकदमे हैं, साधु संत हैं ये। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे हैं, साधु संत हैं ये। सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं, साधु संत हैं ये। मोनू सिंह, ये भाजपा की लिस्ट से ये गूगल गायब हो जाता है, सारे भाजपा के हैं, एक भी बाहर का नहीं है। अच्छा, ब्रिजभूषण को लेकर क्या कहना है? ब्रिजभूषण को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कहना है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये क्यों नहीं जाते जेल में? ये जेल में क्यों नहीं जा रहे? बीजेपी के गिनवाए, कांग्रेस के मत गिनवाओ, खाली भाजपा के मत गिनवाओ, अपने भी गिनवाओ, सपा के भी गिनवाओ, कांग्रेस के भी गिनवाओ, तब पता चलेगा ना कितने चोर हैं, कितने वो। आप गिनवाइए ना। हैं? नहीं, हम गिना नहीं रहे, हमारे गिना नहीं रहे, सीधा ऊपर पहुँचा रहे हैं, गिना नहीं रहे, सीधा ऊपर पहुँचा रहे हैं। हमारे योगी जी मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, और कोई किसी धर्म का भी हो उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और जो ये कह रहे हैं ना डोली शर्मा यहाँ आती है, कब आई? हर चुनाव में आती है, और एक ही चेहरा क्यों होता है कांग्रेसियों के पास? और कोई क्यों नहीं, और कोई कार्यकर्ताओं को मौका क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ वही डोली शर्मा है क्या? कोरोना के काल में कहाँ थी है? हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी जनता के राशन सब चीज पहुँचाने का काम किया, गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। कांग्रेस तो कहती है कि आपने तो मोहताज बना दिया 5 किलो राशन देकर। भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत का विकास किया, और देश विदेश में जो मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। कांग्रेस रोजगार बहुत मिला है, और रोजगार के साथ साथ विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है मैडम। रोजगार के लिए आपने देखा रेहड़ी पटरी वालों को, सब रोजगार के लिए रेहड़ी पटरी वाले, नाई को, धोबी को, हजाम को, हर आदमी को हम लोगों ने एक पैसे बैंक से थोड़ा सा लोन दे रहे हैं, और उसे अपना रोजगार कर रहे हैं। जाइए पता करिए, गांव पसौंडा में कम से कम 1200 लोगों को मकान देने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने, शहीद नगर में जाके पता करिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम बहुत देर से आप सुन रही हैं, महिलाओं के लिए क्या किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए। आप खुश हैं? हाँ खुश हैं हम। आप महिला सुरक्षा से खुश हैं? आप यही रहती हैं? हाँ यही रहती हैं। तो यहाँ पे योगी सरकार से आप खुश हैं, महिलाओं के लिए जो योगी सरकार कर रही है? सरकार से खुश हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आप क्या कहेंगी? महिलाएं भी बीजेपी से खुश है। ठीक है, एक एक करके हो गया। अभी कांग्रेस का बहुत सुना हमने, अब बीजेपी का थोड़ा सा सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को मकान देने का काम किया, किसी जाति बिरादरी नहीं देखा, 1200 लोग मुसलमानों को दिया गया। मैं मोहम्मद नादिर अली, मैंने खुद दिलवाने का काम किया, शहीद नगर में 250 लोगों को मकान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी जी ने दिया, तेला भट्टे में दिया 500 लोगों को मकान, इन्होंने किसको दिया पूछे कांग्रेसियों से? डोली शर्मा एक बार भी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? इंदिरा आवास उनसे पूछो ना, इंदिरा आवास कब आई थी ये उनसे पूछ करके देख लो। राजू ये जो कॉलोनी बसी है इंदिरा गांधी की देन है, ये जो इधर मेन रोड पे राजू गांधी कॉलोनी बसी है इंदिरा गांधी की देन है, करेड़ा राजू कॉलोनी इंदिरा गांधी की देन है, ये कहते कुछ करा नहीं। आपने सुन लिया,
ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सुनूंगी, मैं एक एक करके सबको सुनूंगी। एक मिनट, पूछिए कि 5 किलो अनाज उसके घर में जाएगा तो कितने उसके घर के परिवार को कितने भरण पोषण करता है। 5 किलो अनाज कोई वो नहीं है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। एज अ युवा आपको क्या लगता है 10 साल में आप ज्यादा बेहतर देश को समझ पाए हैं या उससे पहले का देश ज्यादा अच्छा था? देखा होगा आपने सब कुछ। इन 10 सालों में बेहतर प्रगति भारत की हुई है, और केवल प्रगति का पथ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने आसपास देखें, पर भारत का जो विश्व के अंदर भी जो आज एक दबदबा है आप उसको भी नकार नहीं सकते। मोदी जी का जो विश्व पटल पर आज जो भारत का जो सम्मान है आप उसे भी देखिए। इन्वेस्टमेंट जो हो रही है, G20 जो हो रहा है, जो आधुनिकीकरण आज भारत में हो रहा है वो भी डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मेरा प्रश्न एक चीज़ से है कि अगर आपने सच में इतना काम किया तो जनता ने आपको नकारा क्यों और मोदी जी को चुना क्यों? तो कहीं ना कहीं सत्यता यही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल सिर्फ और सिर्फ विश्व में अपने आप को चमकाने में लगा दिए हो और यहाँ पर जो गरीब है, जो मजलूम है, वो पूरी तरह से मर रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अगर इसको सीधी दृष्टि से देखा जाए तो हम एक युवा होने के नाते और एक जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार वोटर होने के नाते भी इस बात को स्वीकारते हैं कि सच में भारत की जो प्रगति है वो मोदी जी के राज में बहुत तेजी से हुई है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और एक युवा होने के नाते जो हमें आज की डेट में जॉब्स में, सर्विसेज में जो हमें मुकाम मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पहले ये चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हुआ करता था। जिस समाजवादी की ये बात कर रहे हैं या जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं एक संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि साइड फॉर इंडस्ट्रियल एरिया है, आज भी काफ़ी लंबा समय रहा ये समाजवादी और इनके किसी ने कुछ नहीं किया रोजगार के लिए आज भी। पर आयाम G20 के बाद बहुत खुले हैं, विदेशों से इन्वेस्टमेंट बहुत खुली हैं, हमारे विदेशों में जाने की संभावनाएं बहुत खुली हैं। जिस दृष्टि से भारत को देखा जाता था वो पटल भी तो बहुत मजबूत हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है और आने वाले मोदी के राज में और BJP के राज में ये बहुत तेजी से हम लोग ग्रो करेंगे। तो अच्छा, अभी दो चीज़ बहुत हो रही है, बहुत सुना है हमने, युवा भी कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा होने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद बचपन से हमने देखा ऐसा कभी कुछ नहीं है। वो कुछ राजनीतिक लोग जरूर करते हैं पर वो BJP के पार्टी कैडर में अगर आप देखें या राजनीतिक पटल पर ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। क्या BJP में मुस्लिम नेता या मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है? बिल्कुल है। विकास की गति या बैंकों में बैंक अकाउंट्स की बात हो, धन की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, सबको एक समान तरीके से देखा जाता है। योगी जी का चाहे गोरखपुर देखा जाए वहाँ पे भी मुसलमानों का हमेशा से रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान, ये एक भ्रम फैलाया जाता है, एक धुंध होती है कि मौसम है, एक धुंध फैला दी और धुंध के तहत आप दुनिया को या जनता को गलत दिखा। आप कह रहे हैं कि सबकी आंखें खुल गई हैं, धुंध हट गई है, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जनता का मैंडेट सर्वोपरि होता है हमेशा, और जनता जिसे स्वीकार रही है कहीं ना कहीं आप उस बात को नकार नहीं सकते। BJP का ये समय है और ये भारत का समय है, और इससे बेहतर और इससे मजबूत प्रधानमंत्री भारत में और पूरे विश्व में कभी किसी को नहीं मिला। और मेरा यही मानना है कि ऐसे प्रधानमंत्री और योगी जी ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मोदी जी को इंदिरा गांधी जी से पूरी तरह से कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी जैसी थी वैसे मोदी जी हैं? कंपैरिजन कभी किसी का नहीं हो सकता, या तो वो उससे बेहतर होगा या कम होगा। बेहतर है, मेरी नज़र में मोदी जी बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी ज्यादा बेहतर है? यस, मोदी जी बहुत बेहतर हैं। और ये जो भाई साहब कह रहे थे ना कि मोदी जी ने काम नहीं करा, आप 10 साल में मोदी जी से इतना काम मांग रहे हो कि जो गांधी फैमिली से मेरे ख्याल से 30 साल तक इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी रही 15 साल और राजीव गांधी रहे 10 साल और वो नेहरू जी रहे 15 साल, तो उनका आज तक ही नारा यही चल रहा है कि हम गरीबी मिटाएंगे। 200 साल अंग्रेजों से छूटे थे हम, ये भी तो पता होगा। यस, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ती थी उनका भी नारा यह था कि हम गरीबी हटाएंगे, और आज भी उसका नेहरू जी का भी नारा यही था, यही राजीव गांधी जी का नारा था, यही राहुल गांधी का आज भी नारा है कि गरीबी दूर करेंगे। इनसे इतने सालों से तो गरीबी दूर हुई नहीं, तो अब क्या करेंगे? और रही बात कि वो मोदी जी हिंदुत्व का वो कर रहे हैं, तो इन्होंने राहुल गांधी जी ने खुद अपने आप को बोला था कि मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। अगर आप हिंदू फैमिली से हो तो आप वायनाड जा रहे हो तो वायनाड में किसी मंदिर में पूजा करके दिखाओ जनेऊ, वहाँ पे पहन के जाओ वायनाड में, तो वायनाड में नहीं पहनेंगे वो जनेऊ। कहीं ना कहीं ये धर्म वाला फैक्टर भी है। ठीक है, कुछ एक मिनट सर, एक बहुत ही वरिष्ठ शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर, आप किसके साथ हैं? हम लोग भाई BJP के समर्थक हैं और BJP की जिंदाबाद बोलते हैं, और BJP जो काम कर रहा है अभी तक कोई नहीं किया है। आपने तो कांग्रेस का शासनकाल बहुत करीब से देखा होगा। देखे हैं, लेकिन अभी BJP के सरकार में जो हो रहा है कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में। तो 70 साल क्या देश में कुछ नहीं हुआ? 2014 से पहले क्या कुछ था ही नहीं देश में? ये मान लें खाना नहीं मिला, भूखे रहे हम,
ये 10 साल से खाना शुरू करा है, उससे पहले तो खाना नहीं मिल रहा था, अब मिला है 10 साल में। अब तुम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समर्थक हैं, चाहे कार्यकर्ता हूँ चाहे नेता हूँ, मैं आज ही समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दूंगा, मेरी बात का जवाब दे देना। चलिए ठीक है, आज ही दे दूंगा तुम्हारे इसी मीडिया के सामने। मुझे बता दीजिए आप, ये बूचड़ खाने जितने भी चल रहे हैं किसके चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, ये किसके चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं, 400 एकड़ में फैला हुआ है, किसके चल रहे हैं आप बताइए मुझे, सब्बरवाल कौन है? ये बूचड़ खाने किसके समय अलॉट हुए, ये बूचड़ खाने किसके समय अलॉट हुए आप बताइए? गाय का मीट बंद करवाइए, गोश्त बंद कराइए, स्लाटर बंद कराइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आज ही छोड़ूंगा इस्तीफा दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, गाय का मीट बंद कराइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी रिपोर्ट आई थी कि भारत से मोदी सरकार में गाय का मीट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ आरोप लग रहे हैं? ये हमेशा से था और इसकी जो शुरुआत करी गई ये इन्हीं के द्वारा तो की गई, ये गाय को गाय बंद कर 10 साल में बंद करवाइए ना, ये बिल्कुल इस पर बंद कर, गैर कानूनी बिल्कुल बिल्कुल, जो गैर कानूनी थे उन पर सब पे रोक लगी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, इस पे रोक लगी है तो प्राथमिकता थी। ये बताओ राहुल गांधी क्या कहता है, मैं शक्ति को खत्म करूंगा, मैं हिंदुत्व को खत्म करूंगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे हम? शक्ति से क्या क्या तात्पर्य है, शक्ति से किसको कह रहे थे वो? तो शक्ति है, कौन सी शक्ति? मातृशक्ति, मातृशक्ति, मातृशक्ति को कोई खत्म कर सकता है? कोई नहीं खत्म कर सकता ना, मातृशक्ति से ही हम सब तो, इनका तो माध्यम ही है। डॉली शर्मा तिलक लगाए हैं, आज के युवा हैं, डॉली शर्मा के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और डॉली शर्मा के काम को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, डॉली शर्मा क्या वादे करे उन्होंने, जॉब की गारंटी? पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कट्टर तो पहले बीजेपी का, ठीक, और रही दूसरी बात, आप क्यों कांग्रेस? ये जिला गाजियाबाद, अभी जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं उनका नाम है अतुल गर्ग, शायद मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोगों उन्हें पता हो कि कौन है अतुल गर्ग कौन नहीं है, जिस पर खुद से पैदल चला नहीं जा रहा हूँ, केवल जहाँ भी कहीं मीटिंग में, मैं अभी परसों राजेंद्र नगर एक मीटिंग में गया था, भाजपा की मीटिंग थी, उसमें केवल यही बोला जा रहा, मोदी मोदी मोदी, भाई अपना बताओ ना काम, आप कोरोना टाइम में ये वहाँ से जी बैठे हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं क्या है, नादिर नादिर साहब, ये हमारे नादिर ये नादिर अली जी हैं, जो भी हैं ये अच्छी बात है हमारे साथ बैठे, हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यहीं ख़त्म, वहाँ मीटिंग हो रही है तो वहाँ अतुल गर्ग साहब कह रहे हैं मोदी मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। अब मैं कहना चाहता हूँ, कोविड टाइम में ये स्वास्थ्य मंत्री थे शायद, कितने लोगों ने इनसे काम करवाया और कितने लोगों के इन्होंने फ़ोन उठाए, पहली चीज़ ये, किसी का भी नहीं उठाया हो तो मुझे बताना ज़रूर। अब ये चुनाव मैदान में आ गए, वहाँ से गाजियाबाद का विधायक हेलीकॉप्टर लैंड करवा दिया गया साहिबाद में, ठीक। डॉली शर्मा की बात करते हैं, उन्होंने बहुत काम करवाई जी, कोविड हो चाहे कैसे भी हो, मैं कह रहा हूँ आप फोन कर लो, अभी तो मैं अतुल गर्ग को फोन मिला लो यहाँ से, अगर ठा ले डॉली शर्मा को फोन मिला के देख ले, डॉली शर्मा को फोन मिला के देख ले, फिर करिए, डॉली शर्मा को फोन करें, ठीक है, आइए आइए आगे आइए, युवा के पीछे है, आगे आइए। बिल्कुल, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हूँ भाजपा का मोदी का, पर अगर भैया जो मोदी मोदी कर रहे हैं ना, यहाँ की जगह जिला गाजियाबाद की, जब वाराणसी में वोट वो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, वहाँ का वोट बनवाओ, वहाँ जाकर जीतो, और हम भी चलेंगे, हम जितवाओगे मोदी को, पर गाजियाबाद में भैया डॉली शर्मा चलेगी और कोई ना चल रहा, चार जून का पता चल जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने कांग्रेसियों को ही बचा ले, सपा वाले ही बचा ले अपने आप को, जो कार्यकर्ता टूट टूट के हमारी पार्टी मार रहे हैं, जब उनकी कदर सारे तो आपने ले लिए सर, सारे तो आपने ले लिए, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या सपा के किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा ना, उनका काम नहीं सुना जा रहा, पूरा सम्मान हो रहा, थाने में जाते सारे पुलिस वाले और धमका का भगाते, काम इतना किया है सबसे ज्यादा, जाति बिरादरी नहीं देखी जाती, काम होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, पूछूंगी सर, ठीक पूछूंगी पूछूंगी पूछूंगी, हमें भैया मोदी चाहिए, हमें योगी भी चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद से लड़वाओ तब जितवाऊंगे मोदी को, वरना हम डॉली शर्मा को जितवा रहे हैं, बात इनकी बात है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इनकी बात है, मुझे इन भाई साहब की बात बहुत सही लगी, इनकी बात बहुत सही लगी कि हमें योगी भी चाहिए हमें मोदी भी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है, जो हमारा सांसद है, वो क्या काम कर रहा है? एग्जैक्टली, एक सेकंड, ये नादिर अली जी बैठे, मैं कह रहा हूँ मेरे घर के बगल में ही रहते हैं शायद,
और ये नादिर अली जी, मैं मतलब एक कायदे से मुसलमान और मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में आग लगेगी तो सबसे पहले नादिर अली जी खड़े होंगे, ना कि मोदी खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा होगा, बिल्कुल सही बात। यही अतुल गर्ग जिला गाजियाबाद में रहते थे, जब बुरे वक्त में इस पूरे क्षेत्र के गाजियाबाद से जीते थे, किसी के काम तो नहीं आए, आज चुनाव लड़ने आ गए, आज आपको ऐसे जी मैं अतुल गर्ग। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर सर आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बीजेपी को बहुत सुनूंगी मैं। सभी को जय श्री राम, नमस्ते भैया। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट अपनी अब की बार है विधानसभा साहिबाबाद 55 से, सबसे भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है, 3 लाख पार है, 3 लाख पार है विधानसभा साहिबाबाद से, अपने 3 लाख पार है भारतीय जनता पार्टी, इस बार 400 पार। कैसे है जी, कैसे 400? तो कैसे आप बताओ, आप बताओ ना कैसे? ये मैं कह रहे, मैंने तो नारा नहीं, भाई है अपने का, इनसे पूछो, ये बहुत बड़े कट्टर भाजपा के समर्थक है, समर्थक मैं भी हूं, पर भाई इनसे पूछो जॉब क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं, कितना रोजगार मिला आपको? देखो हम दिलवा रहे, हम दिलवाते, हम योजनाएं दिलवाते, आज से 12 साल पहले ये जो तार, आज से 12 साल पहले जब समाजवादी पार्टी थी ये तार टंगते थे, तारों में कपड़े भी टंगते थे, आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे देखो टंग रहे, लाइट भी भागती थी, आज 1 घंटे भी नहीं भागती है लाइट, 24 घंटे लाइट आ रही है उत्तर प्रदेश में, घंटा आ रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है ये गुंडागर्दी बंद करिए आप लोग, नहीं तो मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे 4 जून के बाद। महिलाओं का विजन ना हो और हमारी आधी आबादी के बिना ना तो कांग्रेस सरकार बना सकती है और ना भाजपा का 400 पार हो सकता है, इसलिए महिलाओं का विजन सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी थोड़ा बातें करने बिजी है, हो सकता है चुनाव को लेकर ही डिस्कशन चल रहा हो क्योंकि हर जगह यही हो रहा है, आपको क्या लगता है? आ रहे मोदी ही आ रहे, बस बस आगे हमें कुछ बोलना ही नहीं है, रहा ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो बोलेंगे क्या? बस मोदी जी है, सबको पता है, चेहरा भी नहीं है कोई और, चेहरा भी नहीं है भोगने के लिए, सुन लो डॉली शर्मा कोई नहीं है, कोई डॉली शर्मा को हम नहीं जानते, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि कौन जीतेगा और कौन जीतते आ रहे 10 सालों में। मैडम और सुनो, राहुल गांधी है ना वो तो लल्लू है, पूरा पूरा लल्लू है, उसको कोई नहीं जानता। अच्छा, छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, छोटी सी बच्ची है, वो कुछ बोलना चाहती है, बोलो बोलो। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की, मोदी जी की एंट्री, कुछ और भी महिलाएं आप क्या? बस मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आपके लिए क्या किया है? आप बताओ क्या नहीं किया, आप बताओ क्या नहीं किया, आप बताओ क्या किया? मैं सुनो, उन्होंने सब कुछ किया, 370 हटाई उन्होंने, 370 से महिला, 370 से यहाँ गाजियाबाद में क्या लेना देना? उससे कुछ मतलब नहीं, हटी तो है ना, सारे कश्मीरी पंडित चले गए, कश्मीरी पंडित चले गए वापस, कश्मीरी पंडित के वापसी हो गई, वापसी हो गई। सुनो, अयोध्या का मंदिर अभी तक नहीं बन रहा था, वो भी बन गया, आस्था राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं आस्था। इन्हीं बंदों में से ना कितने लोग अयोध्या के मंदिर गए होंगे अभी, सुन लो मेरी बात, गई है? मैं नहीं गई लेकिन गए होंगे यहाँ पे लोग। कैसा महसूस होता है राम जी? हमने टीवी में देखा, माया आंसू निकल है। योगी जी कैसा काम? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी और मोदी तो, बहुत बढ़िया। डर नहीं डर लगता है बाहर निकलने में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। चार लड़कों को आगे दिखा दे वैसे डर जाते हैं, ये महिलाओं का कहना है, एक छोटी सी बच्ची है वो भी कह रही है कि हम बहुत खुश है योगी के काम से और मोदी के काम से। खुले घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी घूमते थे तो बहुत सही। पहले क्या बंद कमरे में रहते थे? पहले बंद कमरे में नहीं, यहाँ रहना ही मुश्किल, उससे कम भी नहीं था, उससे कम भी नहीं था, बंद कमरे में नहीं रहते थे पर उससे कम भी नहीं था। अब खुली है ये, बिल्कुल बिल्कुल यही कहा मैंने, ठीक है आप बताइए। जिंदाबाद, हमें मोदी और योगी सरकार चाहिए, तो महिलाएं तो मोदी और योगी सरकार से खुश है। महिलाएं कह रही हैं कि 10 साल हम तो कैद में रहे हैं, अब जाके हमें लग रहा है कि हम चैन की सांस ले रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। भाई देखो, सबको अपना अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है, किसी को रोका नहीं। योगी आओ, हमें खाना है, हमें कमाना है, लेकिन देश को भी जो देख रहा है उसको लाना है। भाई सबको अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के मुंह पे ढक्कन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, जिसकी जहां मर्जी वहां देगा। ठीक है, आप बताइए महिलाएं जो कह रही हैं उस पर क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, जिसके जो मर्जी अपना करे, हम तो कुछ हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसका मतलब आपने महिलाओं को कैद में रखा था? हम क्यों कैद में रखे, वो कह रहे कुछ कह, हम तो उससे पहले से, सॉली शर्मा तो कहीं है ही नहीं, मैं कह रहे तो है ही नहीं, तो हम तो पहले से अपने परिवार को सुरक्षा देकर लेकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपसे कि आप पूर्वांचली हैं? पूर्वांचल से हैं तो क्या हुआ? पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो जावे ही ना जोगी, कहाँ से है? बागी बलिया का नाम सुना आपने? बलिया से है, बागी बलिया से है सर, ऐसे अहरे गहरे जिले से थोड़ी ना। हाँ, पता लग जाए उसकी आटा चावल का भाव। लालू की सरकार में जो गुंडागर्दी चलती थी और जो 20 साल पुराना, लालू कहाँ बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार में लालू कहाँ से आ गए? बलिया यही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम किया, सभी जाति बिरादरी को लेके सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सर्वे तो ये कह रहा है कि मुसलमान जो है वो खुश नहीं है योगी जी से। मुसलमान बहुत ज्यादा खुश है और कम से कम 50% मुसलमान बीजेपी को देगी वोट इस बार। ठीक है, ठीक है, सर्वे बताते हैं जी। अनिल राणा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोग चिल्ला के बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कोई युद्ध चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं सुन रहा था, कोई साथी हमारे कह रहे थे कि पुराने हमारे यहाँ के जो सांसद थे जनरल वीके सिंह, उन्होंने क्या करा और वो कहाँ आए और वो किसके पास आए? अरे तो वो तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे, किसी के घर नहीं आएंगे। वो किसके यहाँ आएंगे? वो उसी के यहाँ तो जाएंगे जो जिनके यहाँ कोई समस्या होगी या जिनके यहाँ जो उन्हें बुलाएगा। अब तुम, मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाऊँगा तो तुम मेरे यहाँ क्यों आओगे, ये बताइए। तो जनरल साहब ने जो काम करे थे वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एलिवेटेड रोड, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, 65 साल राज कर लिया ना, तो अब थोड़ा बैठे हुए हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है, जनरल वीके सिंह आप जानते हैं एक सेना के अध्यक्ष रहे, उन्होंने यहाँ पर हर चीज़ के लिए, आप मेरे ख्याल से धौलाना जाइए, मैं तो हाँ धौलाना आप जाइए, धौलाना में देखिए, आप लोनी में देख लीजिए, लोनी, लोनी का डेवलपमेंट कुछ अभी तक ऐसा कुछ समझ, पहले से बेहतर है मैडम, पहले से बेहतर है। आज से अगर आप उसे 15 साल पहले लोनी को देखेंगे और आज देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप खोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, आप खोड़ा देखिए, खोड़ा में पहले गलियों का स्तर देख लीजिए, आप लाजपत नगर में देख लीजिए, हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं, हम अपने यहाँ देख लीजिए, शायद ही मुझे लग रहा है कि कुछ गलियाँ या कुछ पार्क ऐसे बचे हों जो बनने को रह रहे हों। हमारे यहाँ पूरे लाजपत नगर के अंदर हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो। अगर कोई कहता है कि यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, तो ये नगर निगम का सरकारी स्कूल नहीं है क्या? या बालिकाओं के लिए रेलवे स्टेशन पर स्कूल नहीं है क्या? लेकिन पढ़ाना कोई नहीं चाहता, सरकारी नौकरी सब चाहते हैं, लेकिन बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाना कोई नहीं चाहता। तो ये अपने आप में विषय है। आप देखेंगे कि शायद मेरठ की जो कनेक्टिविटी है उसको जोड़ने के लिए जनरल साहब ने कितना बड़ा कार्य करा, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने गाजियाबाद से लेकर के मेरठ के लोगों तक की विचारधारा अपने मन में बनाई। जी सर, भी कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से? हम ये कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा चल रही है मोदी जी के, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को या हमारे देश को जितना आगे बढ़ाया है, उतना शायद पहले और बाद में शायद दूसरे प्रधानमंत्री बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी का आज के डेट में कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं मानूं राहुल गांधी चाहे कोई भी अलायंस वाले हैं, कोई भी अगर किसी को रखे तो मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। हमारे मोदी जी और जोगी जी सबसे अव्वल हैं और हम लोग उन्हीं को हमेशा उनके साथ रहते हैं और रहेंगे। हमारा कोई भी विकल्प नहीं है। हमारे जो पहले सांसद थे उन्होंने भी यहाँ बहुत काम किया है। यहाँ जो पानी लगती थी, ये सारे नाले जो शहीद नगर तक बने हुए हैं सब जनरल साहब ने बनवाया है, और जो यहाँ के रोड वगैरह है सब खोज खोज करके लोग रोड बनवाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के आने के बाद जो बिजली कटती थी, अभी 10 साल से कोई बिजली कह दे यहाँ के लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा कटता था, अभी एकदम कट नहीं रही है। भले कहीं फॉल्ट हो रहा है तो उसमें आधा घंटा कट गया तो कट गया, नहीं तो बिजली बिल्कुल साफ साफ। मतलब सीधे सीधे मैं कहूँ तो यूपी का काफी विकास हुआ है इन 10 सालों में। टोपी वाले भैया आपका जा रहे हैं, बहुत देर से मैं तो इंतजार कर रही थी, आप भी तो कमेंट करके ना, ऐसे कैसे बताइए, आप यहीं से? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे, अच्छा लगता है? हाँ सही है, अच्छा है, अच्छा है। जो राम को लाया, जो
बस और क्या अच्छी है, स्ट्रॉन्ग, अच्छी एजुकेशन में बहुत काम किया। आप कितने एजुकेटेड? मैंने मैं म्यूजिक टीचर हूँ। टीचर है, वाओ, कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन। अच्छा तो सुना दीजिए। अरे नहीं नहीं, राजनीति पे कुछ ना सुनाए से कैसे होता है, कुछ तो सुना दीजिए। मैं बोलिए, शिव कैलाशों के वासी, दौरी धारों के राजा, शंकर शंकर हरे नाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आगे भी तरक्की होती रहेगी। और हर हर महादेव। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, हमें कमेंट करके आप बताइए। मैडम मैं तो 2000 रुपये मोदी जी देते हैं, हम उस पर खुश हैं। और 2000 रुपये मोदी जी देते हैं, राशन देते हैं मोदी जी भैया, तो उसे मैं खुश हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस की राज में हमारे गांव में हम लोग का राशन कार्ड ही फाड़ देते थे, कोटा वाला ऐसा होता था बचपन में। और आज देखो राशन कार्ड कौन फाड़, बल्कि घर घर दे रहे हैं राशन, तो खुश है मोदी जी से हम। आधार कार्ड का बीजेपी बॉयकॉट कर रही थी एक टाइम पे, और आज आधार कार्ड बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है मैडम, बहुत। और जो है बैंक का खाता खुलवाया, मकान दिया, हम तो जाति के विश्वकर्मा हैं, और विश्वकर्मा योजना निकाला मोदी जी ने। कारपेंटर हूँ, मुझे औजार के पैसे दिया मोदी जी ने, क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया मोदी जी ने। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी से कितने लोग खुश हैं। 2000 पाकर आ रही हूँ सर से कमेंट जी। मोदी जी बस मोदी जी, इतना ही बोलना है। विकास है, बोलो विकास है। जो नाम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लोग बहुत खुश है मोदी सरकार से। देखिए जितने लोगों से मैंने यहाँ बात किया, ये तो तय हो गया सर, मोदी जी के ज्यादा भक्त हैं यहाँ पे। ऐसे एक तो बात करोगे, वो तो हर घर में भी पता करे जाएगा, जब ही तो पता लगेगा। ऐसे कैसे पता लगेगा, एक चौक पे बैठने से थोड़ा पता लग जाएगा कि तो चार्ज उनका, चार्ज उनका इंतजार कर। एक कुछ कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी एक पार्षद जी थे, अनिल राणा जी, ये बीजेपी से पार्षद थे, ठीक है, इनको बीजेपी से टिकट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, और निर्दलीय पार्षद ने, निर्दलीय खड़ा होकर उसने बीजेपी के सिंबल को हरा दिया। निर्दलीय जीता वहाँ, चेयरमैन क्यों जीत गया भाई, जब इतना विकास होया तो निर्दलीय कैसे जीत गया वहाँ से। बीके सिंह यहाँ समाचार पूछने नहीं आते थे, पार्षद जी बैठे थे, पार्क की हालत देख लो ना इनके जमाने में। ठीक है सर, कुछ बोल रहे। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेसी या सपा वाले हमेशा बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लोग यहाँ पे कहते हैं कि, लोग यहाँ कहते हैं देश में, इंडिया जैसे देश में स्वच्छता नहीं है, यहाँ के यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। पहले ये देखिए, लोग यहाँ कंपेयर करते हैं कि अमेरिका जैसा देश बहुत साफ रहता है, इंग्लैंड जैसा देश बहुत शांत रहता है। आप वहाँ की आबादी देखिए, वहाँ का स्थल, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ की, और यहाँ की बहुत ज्यादा है, वहाँ की बहुत कम है, ठीक है। वहाँ की पॉपुलेशन देखो, यहाँ की पॉपुलेशन, साफ सफाई में तो गलती आम आदमी की है ना, आम आदमी साफ रहेगा देश भी साफ। सारा दोष एक मिनट, ये तो अपनी डर से, अपनी दहशत से हैं, जितने भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये अपनी डर से जुड़े हुए हैं, अपनी दहशत से जुड़े हुए हैं, अपनी चोरियां छुपाने के लिए जुड़े हुए हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शरण लेते हैं। मंदिर का तो मुद्दा लेकर बैठे हुए थे, इनकी रोटी सीख ली थी, क्यों राम मंदिर का फैसला करवाया? आप खुश हैं राम मंदिर से? भारतीय जनता, हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो है दंगा कराना, राम मंदिर से खुश है? बहुत खुश है, हर मुसलमान करप्ट है, मुसलमान सारे मुसलमान करप्ट है। अपनी औलाद को क्यों मरवा दिया, जब वो अपने औलाद की नहीं रही तो वो और किसकी रहेगी, ये बताइए आप। इंदिरा गांधी नहीं है, हाँ जी इंदिरा गांधी नहीं है, पप्पू है, वो राहुल पप्पू, वो पप्पू का कौन पूछ रहा, ले आया बहना भी आई है, एक भी सीट आकर ले आवे, साइकिल भी साथ है, साइकिल क्या करेगी, पंचर हो चुकी है। आप 4 जून को आइएगा, आपको बता दिया जाएगा, टोली शर्मा एक पैसे की भी नहीं आएगी, 1 लाख वोट भी नहीं मिलेगी इन्हें भी। भाई अनिल राणा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है कि नहीं है? हा? अनिल राणा है, भारतीय जनता पार्टी का सेना है, अब भारतीय जनता ने जो विकास किया है वो सपा वालों की गुंडागर्दी, 4 जून के बाद बता दिया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है कि नहीं है अनिल राणा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है कि नहीं, ये बताइए पहले।
जब सपा के नहीं हुए, आप कांग्रेस के नहीं हुए, तो और किसके होंगे? फिर उसको हराया क्यों? हराया क्यों? क्यों हराया उसको? ठीक है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। कुछ मोदी भक्त मिले हैं, कुछ बीजेपी भक्त मिले हैं, कुछ राम भक्त मिले हैं और कुछ कांग्रेस के भक्त भी मिले हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज यहाँ आकर ये कहा जा सकता है कि 400 पार का नारा ज्यादा है और इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आ रहा है। खैर, अभी कहना जल्दबाजी होगी, 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यूज ऑन इंडिया में आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे किस्सा कुर्सी में किसी और लोकसभा के साथ।